ऐसा है साथियों ने बता दिया आपको। हमारी तो ये मांग है, जो रात को 12 बजे के बाद 12 तारीख को हमारे साथी राजवीर सिंह सोनीपत के रहने वाले थे, जो अम्बाला डिपो के अंदर चालक के पद पर तैनात थे और रात को उसकी ड्यूटी गेट पर लगी हुई थी। कुछ अज्ञात व्यक्ति कार लेकर आए, उसने उनको कहा कि भी अपनी कार को एक साइड में कर लो, क्योंकि तुम्हारे का दिन है, सड़क के ऊपर जाम लग सकता है, मेरी ड्यूटी इसी लगी हुई है। लेकिन उन्होंने कार एक साइड में करने की बजाय हमारे भाई राजवीर सिंह पर डंडों से हमला कर दिया और डंडों से हमला करने के बाद हमारे साथी की मृत्यु हो गई। इस निकम्मी सरकार ने 12 तारीख से और आज 15 तारीख की सुबह हो चुकी है, आज तक ना तो वो दोषी गिरफ्तार करे, ना ही सरकार ने किसी बातचीत के लिए बुलाए, ना ही सरकार ने कोई कार्रवाई करी। उस जब तक सरकार जिसने भी एक कांड किया है, जिसने भी साथी की दंडों से पीट कर मौत करी है, उनको जेल की सलाखों के पीछे भेजा जाए। दूसरे नंबर पर उसके परिवार को, बच्चों को, घरवाली को 50 लाख रुपये मुआवजा, और उसके परिवार में से उसके बच्चों को या घरवाली को एक स्थायी नौकरी। जब तक सरकार ये तीन मांगे हैं पूरी नहीं करती, तब तक पूरा प्रदेश बंद रहेगा। बिल्कुल जी। आपका नाम? मेरा नाम ईश्वर सिंह, हरियाणा रोडवेज कर्मचारी एकता यूनियन संबंधित प्रधान प्रणाली। हाँ जी, परेशानी हो रही है। हाँ जी, आम लोगों को भी परेशानी। देखो जी, आम लोगों को परेशानी है, हम जनता से अपील करते हैं कि भी जनता इस बात को समझे, जो चालक अम्बाड़े के अंदर मारा गया है और जो उन बदमाशों ने पीट कर हत्या करी है, वो कोई किसी और का नहीं था, वो भी इस जनता का बेटा था, इस जनता का भाई था, इस जनता का इनका हमारा साथी था, वो भी किसी माँ का बेटा था, किसी बहन का भाई था, किसी घरवाली का पति था, किसी बच्चों का पिता था। अगर ऐसा हादसा मेरे साथ हो जाए, मेरे बच्चे के साथ हो जाए या किसी और के साथ हो जाए, तो आप क्या कहोगे, जनता क्या कहेगी? हम तो कोई नाजायज मांग नहीं कर रहे, हम तो ये कह रहे हैं कि भी जनता से भी अपील करते हैं कि भी जनता इस बात को समझे, हम अपने लिए कुछ भी, ना कोई तनख्वाह बढ़ाने के लिए बैठे, ना कोई टीए बढ़वाने के लिए बैठे, ना कोई कुछ और मांग के लिए, हम इसलिए बैठे हैं। मैं जनता से अपील करता हूँ हाथ जोड़ करके, जनता इस बात को समझे। अब मेरी अपील है कि हमारा धरना कोई किसी मांग को लेकर नहीं है, पर्सनल कोई भी रोडवेज के कर्मचारी की मांग को लेकर धरना है। हमारा धरना यह है कि भी जो अम्बाड़ा के अंदर ट्रैवल ड्यूटी के दौरान गुंडों ने पीट कर जिसको मौत के घाट उतारा है, हमारा धरना उनके खिलाफ है कि भी उनको जल्द से जल्द सरकार गिरफ्तार करे, SP अम्बाड़ा गिरफ्तार करे, IG अम्बाड़ा गिरफ्तार करे, मुख्य माननीय गृह मंत्री का हल्का है गिरफ्तार करवाए, उनको जेल की सलाखों के पीछे भेजे और सरकार 50 लाख रुपया का मुआवजा दे करके उसके परिवार के एक बच्चे को स्थायी नौकरी दे। हमारा धरना इसलिए है, हमारा धरना अपने लिए कुछ भी नहीं है, ना हम अपने लिए कोई मांग कर रहे हैं। हमारा एक ड्राइवर साथी था, दिवाली वाले एक दिन 12 तारीख की बात है, जब प्रत्येक जनता दिवाली मना रही थी, तो हमारा रोडवेज कर्मचारी साथी वहाँ पे ड्यूटी पे तैनात था। रात 2 बजे की बात है, 12 तारीख की, कुछ गुंडे डस्टर गाड़ी में 4-5 आए और उन्होंने आगे वहाँ के गाड़ी रोक दी, वो पार्किंग एरिया था। उसने सिर्फ इतना ही कहा कि इस गाड़ी को साइड में लगा लो, इतने में उन्होंने डंडों से लैस होकर उन पर हमला बोल दिया, जिसके कारण उसकी मौत हो गई है। आज 12 तारीख को ही उसका अगले दिन का पोस्टमार्टम करा के पार्थिव शरीर, उसके बच्चे बस स्टैंड अम्बाड़ा में बैठे हैं, वहाँ पे अभी तक उसका कोई सुध लेने वाला कोई नहीं है, ना किसी पुलिस ने कोई कार्रवाई करी है, ना किसी कोई मंत्री ने किसी ने करी है। तो हम ये आपका अनिल विज जो गृह क्षेत्र आता है, गृह मंत्री से निवेदन करना चाहेंगे कि तुरंत ऐसे हत्यारों को गिरफ्तार करे और हमारे साथी को न्याय मिले, ताकि उसको जो कि उसके परिवार को 50 लाख रुपए की मदद और एक सरकारी नौकरी मिले। और आपके चैनल से यही, जब तक ये काम नहीं पूरा होता तब तक रोडवेज का प्रत्येक कर्मचारी राजवीर के साथ बैठा है, हम न्याय के लिए पीछे नहीं हटेंगे, हम अपने वजूद कर्मचारी उसके साथ हैं, तन मन से उसके लिए तैयार बैठे हैं, जब तक न्याय नहीं मिलता तैयार रहें। धन्यवाद। कृपाल सिंह, प्रधान करनाल डिपो।